हैं दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हेलो एप्लीकेशन को फिर से प्ले स्टोर पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूं कि अब हेलो एप्लीकेशन को चाइना के माध्यम से नहीं चलाया जाएगा, यानी कि ये इनकी जो कंपनी है ByteDance कंपनी, तो ये जो कंपनी है ये अपना ट्रांसफर करवाना चाह रही है किसी अन्य देश में। क्योंकि दोस्तों जब हेलो एप्लीकेशन और टिकटॉक एप्लीकेशन दोनों को साथ में बंद किया गया था तो करीब $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो दोस्तों इसमें अरबों रुपए, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से अरबों रुपए का उसका नुकसान हुआ था। तो ये जो कंपनी का समझ लीजिए कि पर डे बहुत ज्यादा ही नुकसान हो रहा है। तो अब ये कोशिश कर रही है कि इसको इंडिया में लॉन्च फिर से किया जाए, क्योंकि दोस्तों इंडिया से समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी खासी इसकी कमाई हो रही थी, और दोस्तों हेलो एप्लीकेशन से हम लोग भी एक अच्छा इनकम बना रहे थे, और दोस्तों टिकटॉक स्टार भी कुछ हैं तो उन लोग भी एक अच्छा इनकम इससे कमा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब भी कुछ लोग चाहते हैं कि इंडिया में इस एप्लीकेशन को हेलो को लाया जाए, और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि इसको चाइना के माध्यम से नहीं लाया जाए। तो दोस्तों अब इनकी जो कंपनी है ByteDance टेक्नोलॉजी, तो इन लोग समझ चुके हैं कि इस एप्लीकेशन को चाइना के माध्यम से नहीं लाया जाएगा, यानी कि जब तक ये कंपनी ByteDance टेक्नोलॉजी चाइना में रहेगी तब तक इसको नहीं लॉन्च किया जा सकता। अब इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से इस कंपनी को किसी अन्य देश में शिफ्ट किया जाए। दोस्तों ये जो ByteDance टेक्नोलॉजी कंपनी है ये चाहती थी कि इसको अमेरिका में शिफ्ट कर दें। तो ट्रांसफर करने का मतलब कि अब वहां से अमेरिका का सर्वर पे इन लोग काम करेंगे तो बेस्ट रहेगा, और इन लोगों को मतलब इंडिया में चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों उन लोग जब यूएसए ट्रांसफर करने की बात किए तो यूएसए सरकार ने इसे सख्त मना कर दिया। उसके बाद इन लोग अब लंदन में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लंदन में ये एक ऑफिशियल अपडेट है, और दोस्तों अब चेंजिंग बाद में कुछ हो जाए तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये एक ऑफिशियल अपडेट है कि जो ByteDance टेक्नोलॉजी हेलो और टिकटॉक की जो कंपनी है ये अब अपना जो ट्रांसफर अब लंदन में करवाने जा रही है। तो लंदन के सर्वर पे इन लोग काम करेंगे, और जिस तरीके से वर्क करती थी सब कुछ सेम रहेगा, और बस इनकी कंपनी जो है ट्रांसफर होकर लंदन में चली जाएगी, जिससे इनको नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों चाइना में जब तक रहेगा तो इस एप्लीकेशन को चलाया नहीं जाएगा, तो और सभी लोग चाइनीज चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो दोस्तों आप भी कीजिए, और दोस्तों देखिए कि जल्द ही इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा चाइना लंदन में। तो हो सकता है कि समझ लीजिए 1 या 2 महीना लग सकता है इसको पूरी तरीके से इस वर्क को होने में, या फिर से कोई नया चेंजिंग हो जाए तो उसके लिए भी आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हेलो से जुड़ी, टिकटॉक से जुड़ी और बिजनेस से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहेंगी इस चैनल पे। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।